नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिद्वार अकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर से हो। तो अभी मैं फ्यूजन 360 का यूज करके आपको सेक्शनल व्यू कैसे दिखाते हैं ये आपके आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट को कट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है ये दिखाने की मेरी कोशिश है पूरी। तो उसको पहले से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा, टॉप व्यू में कैसे दिखेगा। अभी देख सकते हो आप, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, यहाँ पे खाली एक रिब नहीं बनाई वाली है मैंने। तो इसका फ्रंट व्यू कैसे आएगा, देखो उसका फ्रंट व्यू ऐसे आएगा, एक सर्कल आएगा, फिर ये वाला पोर्शन और ये ऊपर ऐसे आएगा। फिर टॉप व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टॉप व्यू उसका ऐसे आएगा और साइड व्यू उसका, सॉरी साइड व्यू आपका इस तरह से उसका साइड व्यू आएगा। अभी आप बोलोगे ये तो सर मतलब शेडेड व्यू है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते, यहाँ पर भी जाके उसको देख सकते हो कि वायर फ्रेम मॉडल कैसे दिखेगा। आप देख सकते हो ये वायर फ्रेम मॉडल इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो अभी ये ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मुझे कट करके देखना है कि ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे। तो कट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वापस शेडेड बनाना पड़ेगा। शेडेड बनाने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, इंस्पेक्ट पे जाके सेक्शन एनालिसिस, सेक्शन एनालिसिस जाके ये वर्टिकल प्लेन मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 डिसाइड करना, 40 डालना है। 40 डालने के बाद क्या करूंगा, मैं एंटर कर दूंगा। तो आपके सामने ये इसका सेक्शनल व्यू रेडी है। अभी मेरी यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई कि ये निकालते टाइम मैंने इसको अंदर निकाला है, बाकी ऐसे वो नहीं दिखेगा। तो ये लाइन और ये लाइन एक ही दिखेगी। आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने उसको कट किया यहाँ से, ये इस डायरेक्शन में मैंने उसको कट किया, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जहां पे मटेरियल नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए बताऊं, जहां पे मटेरियल नहीं है वहां पे हैचिंग नहीं आएगी। यहाँ पे मटेरियल नहीं है तो यहाँ पे हैचिंग नहीं आएगी, यहाँ पे भी मटेरियल नहीं है तो यहाँ पे भी हैचिंग नहीं आएगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।